नमस्कार कुसुम टीवी खबर आज कार्यक्रम को आपण मान स्वागत प्रथम जीवा मुख्य खबर जगत सिंहपुर जिला पारादीप्रस्त मिनि सेसपुल टैंक उद्घाटन पारादीप क्षुद्र परिवार व्यवसायी को स्थानांतरित सरकार पदक्षेप को स्वागत और कृतज्ञता जनइले भद्रक जिलावासी निम्न मान रास्ता को नहीं तेजुच असंतोष रास्तार उठी जाऊँ पिचु प्रधानमंत्री आवास योजना को हाइजाक कर राज्य सरकार बीजेपी पक्ष राज्यपाल उद्देश्य से दावीपत्र प्रदान और अभिनंदन पत्र पोड़ फांडी को मिलला थानार मान्यता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रे उद्घाटन कले मुख्यमंत्री भद्रक आईन श्रृंखला नियंत्रण पर उद्घाटन है दुईट नूतन थाना भद्रक रांदिया सड़क दुर्घटन जड़े मृत क्षतिपूरण दावी रास्ता अवरोध भद्रक रांदिया नवज्योति भलिबल टूर्णमेंट यूनाइटेड स्पोर्ट्स क्लब बालिकुदा चंपियन अग्निकाण्ड में जलीगला तेजराती दुकान सरकारी योजन वंचित विधवा शांतिलता जगत सिंहपुर जिलापाल सरोज कुमार मिश्र पारादीप ग्रस्त कर पौर परिषद विभिन्न कार्य अनुधान करने सहित दुईट कार्यक्रम उद्घाटन करते पारादीप पौर परिषद पक्ष गत देढ़ वर्ष है स्वच्छता अभियान को प्राधान्य दिया जाए महिला स्वावलंबी करने प्रयास आरंभ हो मो खत योजन प्रत्येक बस्ती और कलोनी में प्रत्येक घर आवर्जना संग्रह कर खत कर बिक्री करोथे बहु महिला स्वावलंबी होवार सुजोग पाई जिलापा आज यही गस्तर पौर परिषद पक्षर आसी भ्राम्यमाण मिनि सेस पुल टैंक उद्घाटन करते पुल टैंक विभिन्न गलिकंदी में पशि पायखाना सफा करने को समर्थ होपरी मो खत योजन बंगापड़ा निर्माण कर संपद केन्द्र को उद्घाटन करते आज आम पारादीप पौरपालिका जो नुआ गोटे पदक्षेप नहीं स्वच्छ भारत अभियान में सुखिला और ओदा जो आवर्जना रही सहर भितर तार किभली सदुपयोग करा केमिति सहरटा को सफा सुतरा रखाई पार ताप्राई जो पदक्षेप नहीं तार कौन सब कर देखा आसती देखिली कि से बहुत भल पदक्षेप नहीं सुखिला आउ ओदा जो आवर्जना रही केमी अलग कर सेग्रिगेट करमी प्रोडक्टिव यूज करके फाइनाली आम गोटे खत बाहर कर जो खतटा को से माने बिक्री करी पारे एवं गोटे आमर जहाँ मान प्रदूषण केमी मुक्त रखी पारे सहर को एवं जो मैला अच्छी आवर्जना से केमी गोटे प्रोडक्टिव आसेट गोटे क्रिएट करहब से देख पारे ये आम देखल कि स्वयंसेविका संघ से गुड़ा मैनेज कर सक्सेसफुली मैनेज कर बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी द्वारा से मैंने ओदा और सुखिला मैला सब सहर भितर आणुंट ये प्लांट्रे खतर रूपातर कर शेष चाषी मान बिक्री करा जाउ छी गुजराण मेंटाई पारिबे एथिपई से माने जिला प्रशासन लो द्वारस्थ होई लिखित अभिजोग करिछन्ति पारादीप रु पी प्रसाद को रिपोर्ट कुसुम टीवी सरकारी उच्च विद्यालय मेधावी छात्र छात्री मानक पई मेडिकल ओ इंजीनियरिंग प्रवेशिका परीक्षा स्थान संरक्षण पई गतकाले मुख्यमंत्री कैबिनेट रे मोहर मारिछन्ति मुख्यमंत्री करे ई ऐतिहासिक निष्पत्ति को नै भद्रक रे शिक्षक छात्र छात्री ओ बुद्धिजीवी महल रे खुशी रो लहरी खेली जाइछि एही अवसर रे आज जिला पालक कार्यालय सम्मुख रे राज्य सरकार को उद्देश्य रे एक बड़ हुडिंग लगाई छात्र छात्री शिक्षाविद बुद्धिजीवी मैंने राज्य युव सभापति प्रेमकेश राय भद्रक सांसद मंजुलता मंडल और विधायक संजीव मल्लिक को स्वागत और संबर्धना करते मुख्यमंत्री निष्पत्ति को भद्रक सांसद विधायक और शिक्षाविद मैंने स्वागत करने कृतज्ञता ज्ञापन करते मुख्यमंत्री जुगांतकारी पदक्षेप को साधारण स्वागत कर निश्चित भाव में माननीय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक यह एक ऐतिहासिक निष्पत्ति समग्र भारत वर्ष प्रथम थर पर
जो गरीब पिलाने ग्रामांचल सरकारी स्कूल रे पढ़ुते एवं सहरांचल रे मध्य जो गरीब पिलाने पढ़ुते जो मैंने कि कोचिंग नवा को वंचित होते पैसा अभाव से गोटे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति यहाद्वारा समग्र छात्र समाज पूरा उपकृत हे जो मैंने गरीब पिलाने एवं विशेष करके जो प्रवेशिका परीक्षा होता एंट्रेंस एग्जाम नेट एवं जेई दुईटी जाक परीक्षा नीट एवं जेई रे रिजर्वेशन पाई जो सरकार घोषणा कर कैबिनेट रे निष्पत्ति नहीं आम समग्र ओडिशा रे विजु युव जनता दल एवं छात्र जनता दल को स्वागत करुच्ची। सरिनी रास्ता निर्माण कम हेले रास्तारु उठी जाउची पिचु कोड़ी की शावल नुह बर हाथ मारी देले छेला छेला उठी जाउची पिचु तेबे गाँ को गाँ और सहर को सहर जोड़ीबा पाई पक्का सड़क को गुरुत्व देउछती सरकार किंतु एठी वास्तव चित्र अलग ठिकादार और जंत्री को सलाह सुतर जो सरकार का माल दरिया में डाल लिद्रे चली रास्ता कम तेबे एहा होछि वास्तव चित्र। ये चित्रटी कलाहांडी जिला धर्मगढ़ ब्लक टीपीगुड़ारु बक्रासिल को संजोग करथिबा प्रधानमंत्री सड़क योजना दीर्घ 5 किलोमीटर रास्ता निर्माण अटकल मूल्य प्राय 1.5 कोटी टंका जहाँकि बिना जंत्री रे रास्ता कम होता अभियोग कर ग्रामवासी एने विभाग जंत्री को अभियोग करते कर्णपात करुन ग्रामवासी मत प्रकाश करपटे विभाग जंत्री उच्च करतृपक्ष जोजोग करते कौन प्रतिक्रिया मिल पार अपरपक्ष विभाग जंत्री आलोचना कर सठिक भाव रास्ता कम होती विरोधी दल नेता प्रदीप नायक तेज यार तदंत कर उन्नत मान रास्ता निर्माण पर दावी कर ग्रामवासी ଟିଭି। आगामी दिन में जदि राज्य सरकार लोगो न हटाती तेज आंदोलन जोरदार हेबो बोली बीजेपी चेतावनी देछि। पूरी ब्रह्मगिरी सुमंत महणियों रिपोर्ट कुसुम टीवी। केन्द्र सरकार प्रणयन करथवा विभिन्न योजना को राज्य सरकार अस्पष्ट भाव स्टिकरिंग कराउथवा अभियोग रे बीजेपी पक्ष राज्यपाल उद्देश्य से वीडियो बंद के माध्यम रे एक दाबी पत्र प्रदान करा जायछि। केन्द्र सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना इंदिरा आवास योजना प्रणयन करने सह राज्य सरकार को आर्थिक सहायता जोगाई देउछन्ति मात्र उक्त योजना गुड़िक राज्य सरकार को योजना भाव प्रतिपादित करने निम्ते सूचना फलक लिखा जाता बेले राज्य सरकार निजस्व विजु पक्का घर योजना को बड़ कर दर्शाई चलित मस 31 तारीख सुधा निर्माण कार्य शेष करने चिठी संख्या 2027 17/12/2020 तारीख निर्देशक स्पेशल प्रोजेक्ट को निर्देश दे जमापड़ सरकार उक्त निर्देश को आधार कर भद्रक ग्राम उन्नयन संस्थार प्रकल्प निर्देशक एक पत्र माध्यम वीडियो बंद को जन पंचायत स्तरीय अधिकारी माने तुरंत कार्य शेष करने निम्ते तत्परता प्रकाश करने सूचना को विकृत भाव लिखा जा देखा मिली। बीजेपी राज्य कार्यकारिणी कमिटी सभ्य तथा भंडारी पोखरी निर्वाचन मंडल नेता बद्रीनारायण धलों नेतृत्व में मंडल सभापति नवकिशोर धल गोपाकृष्ण दास खगेश्वर बेहरा पंकजनी लेंका जिला कार्यकारिणी कमिटी सभ्य तपन बारिक पूर्णचंद्र साहू कुलमणि बेहरा मनोज विश्वाल प्रमुख राज्यपाल उद्देश्य से वीडियो बंद को प्रतिवाद पत्र प्रदान करते परे हिताधिकारी मानों को पाई उद्दिष्ट मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र को दलय कर्मी को उपस्थित रे ब्लॉक ऑफिस सम्मुखरे पोडीतिले। बंत्रु जगन्नाथ पालन को रिपोर्ट कुसुम टीवी। भद्रक जिला थिबा साबरंग फांडी को थाना रे मान्यता दिया जाय छी। भद्रक जिला ग्रामांचल थाना अधीन रे साबरंग फांडी रे कार्य चलीतिला माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया रे उद्घाटन करिछंती। एही उद्घाटन उत्सव रे भद्रक एसपी राजेश पंडित भद्रक सांसद विधायकों सह बहु पुलिस अधिकारी समेत स्थानीय बासिंदा उपस्थित थे। भद्रक जिलार दुईट फांडी को स्थानर मान्यता मिली चांदवाली अंचल पीरहाट फांडी और साबरंग फांडी को थानार मान्यता मिली तेज दीर्घ दिन धरी स्थानीय लोके थानार मान्यता दाबी कर आसुले फांडी थानार मान्यता पाइबा श्रीमती ममता साहू थानाधिकारी भाव जोग देते ऑलरेडी स्टाफ पोस्ट करा जाएगी गोटे इंस्पेक्टर गोटे सब इंस्पेक्टर गोटे एएसआई और बाकी अन्य कांस्टेबल हवलदार पोस्ट करा जाएगी और निश्चय ये थाना रे पेट्रोलिंग बढ़ निश्चय ये जो एक्साइज रेट बढ़ कोयला थेफ्ट होता से भी निश्चय कम हो जाए ये धन्यवाद देने माननीय मुख्यमंत्री नवीन पटनायक दुर्घटना गोटे साबरंग
ଆମର ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଭାବରେ ଥାନାଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି। ନୂତନ ଥାନା ଯୋଜନା କରାଗଲା। ଆମର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଏସ୍ପି ମହୋଦୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଭାଇମାନେ ଏଠି ଥାନା ବାବୁମାନେ ପୋଲିସ ବାବୁମାନେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସେମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ଭାବରେ ଇଏ କରିପାରିବେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ଦେଇପାରିବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆମର ମା' ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ, ଆମର ଯିଏ ଅଛି ଭାଇମାନଙ୍କୁ, ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ଦେଇପାରିବେ। ଯେ ମହାମାରୀ ଟାଇମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ମନେ ହେବ ଜାତ ନିଷ୍ଠା ବଳରେ ସେମାନେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜିତିପାରିଛନ୍ତି, ମହାମାରୀକୁ ଜିତିପାରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଶାସିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆବରଙ୍କୁ ଥାନା କରାଯାଉ ବୋଲି ଆମେ ହୋମ୍ କମିଟିରେ କଥା ପକାଇଥିଲୁ, ଯାହା ହେଉ ତାକୁ ତର୍ଜମାରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଭାବେ ଆଜି ସାବରଣ ଥାନା ଜିଲ୍ଲାଦେଶନ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଆସିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଆଁ ଗ୍ରହଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ପାଇଁ ଏହି ସାବରଣ ପାଇଁ ଅତି ଆନନ୍ଦର ଲାଗିଥିଲା। ଭଦ୍ରକରୁ ସୁରଜ ଖାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ରବୀନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତ୍ରିରେ ବରପଦା ବଜାରରୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ମୁଣ୍ଡିମରା ଛକଠାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଏକ ବାଇକ୍ ରବୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ ତାଙ୍କ ବାମ ଗୋଡ଼ଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ସେଠାରେ ଗୁରୁତର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭଦ୍ରକ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଶବ ନେଇ ଆସିବା ପରେ ଲୋକମାନେ ମୁଣ୍ଡିମରା ଛକଠାରେ ସେ ଶବକୁ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଓ ରାସ୍ତାର ହମ୍ପସ ପାଇଁ ଦାବି ରଖିଥିଲେ ଲୋକମାନେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ଓ ଉଲ୍ଲଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ରାସ୍ତା ରୋକରୁ ଓହରିଥିଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା କଡ଼ ମାରିକି ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛୁ ଏଠି, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏଠି ବାଲୁଅ, କୁଣ୍ଡୁଳା, ରାମକୃଷ୍ଣପୁର, ସାତଚୁଳା, ମିଟୁଆଣୀ, ସୁକୁଣାଳିଆ, ମୁଣ୍ଡୁମରିଆ, ସାତ ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ଲୋକ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଜାଗା ଉପରେ ଆମର ଦୁଇଟା ହମ୍ପସ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଯେ ପ୍ରତିରୋଧ ହେବ ଆଉ ଲୋକ ଯେମିତି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେବ। ଭଦ୍ରକରୁ ହେମନ୍ତ ସିଂହ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ରାଣ୍ଡିଆ ନବଜ୍ୟୋତି କ୍ଲବ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଦିବସୀୟ ଭଲିବଲ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଚାରିଗୋଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ନବଜ୍ୟୋତି କ୍ଲବ ଓ ବାଲିକୁଦା କ୍ଲବ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟକୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ଓ ସମରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ସ୍କୋରରେ ଦେବଦତ୍ତ ସେଠି ଓ ବୀରେନ୍ କୁମାର ସେଠି ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥିବା ବେଳେ କ୍ଲବ ସଭ୍ୟମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ହେମନ୍ତ ସିଂହ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଅନଗ୍ରସର ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଅସହଯୋଗ ପାଇଁ ଅନେକ ଗରିବ ହିତାଧିକାରୀ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଏକ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଦୈସିଂ ପଞ୍ଚାୟତର ଚଢ଼ିଆ ଗ୍ରାମର। ଶାନ୍ତିଲତା ସାମଲ ଜଣେ ବିଧବା ମହିଳା। 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ ଓ ଆଉ ଜଣେ ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ପୁଅକୁ ନେଇ ଶାନ୍ତିଲତାଙ୍କ ସଂସାର। ପର ଘରେ ମୂଲ ଲାଗି ସେ ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ନିଜର ପରିବାର ଚଳାଉଛନ୍ତି। ଅନେକବାର ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନା ଅଛି ଭତ୍ତା, ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ, ନା ରାସନ କାର୍ଡ। ସରକାର ତାଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣି ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବେ ବୋଲି ଛଳ ଛଳ କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ବିଧବା ଶାନ୍ତିଲତା। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ପହଞ୍ଚୁ ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଚଢ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ। ଏ ହେଉଛି ସେଇ ଅଭାବୀ ପରିବାରର ବିଧବା ଶାନ୍ତି ଦେଇ। ଆଜକୁ 3 ବର୍ଷ ହେବ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ, ଯିଏକି ଏକ ଅଜଣା ରୋଗରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁହାରି ପରେ ଗୁହାରି କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ବା ବିଧବା ଭତ୍ତା, କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେ ଅଦ୍ୟାବଧି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ବହୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ମାଗିଯାଇଛି ସିଏ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଆମେ ଏଠି କହିବାକୁ ଚାହୁଁ, ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ? ଗରିବ ଲୋକ ସେଇ ଗରିବ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଚଞ୍ଚଳତା କରି ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ହାସଲ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସେଇ ଶାନ୍ତି ଦେଇଙ୍କୁ କେବେ ଏ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ମିଳିପାରୁଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ହେମନ୍ତ ସିଂହ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବରପଦା ବଜାରରେ ଥିବା ଏକ ତେଜରାତି ଦୋକାନରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଜିନିଷପତ୍ର ପୋଡ଼ିଯାଇଛି।
कुसुनगर ग्रामर बुद्धिराम बेहरा 25 वर्ष हेब तेजराती व्यवसाय करि आसुथिले। रविवार रात्रि रे दुकान बंद करि जाइथिबा बेले एही अग्निकाण्ड घटिथिला। खबर पाई भद्रकर दमकल आसी नियाकु आयत करथिला। मात्र दुकान मध्यरे थिबा 5-7 लाख टंकार जिनिसपत्र जळिपडि पाउंस होइ जाइथिला। अग्निकाण्डर कारण अस्पष्ट रहिछि। दुकान बंद करी गला परे हम घर को पड़े तो हम जानिनो किमिति न्याय लगला। घर दुटा अढ़ेटा फोन गला जे तुम घर दुकान न्याय लगे कि पुलिस वाला जो पैकिंग करते सही मैंने जड़े लोक देखी कहला पुलिस वाला फोन कले दमकल अफिस की से दमकल अफिस आसिक मुँह आसला बेलू पानी मैंने निआ डलुचे आसिक पहुँचला दमकल आसिक पहुँचला तापर पानी पकई से नहीं दे 5-6 लाख टकर जिनस उठर थी कि हिसाब कर ଭଦ୍ରକରୁ ହେମନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କୁସୁମ ଟିଭି। ଖବର ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ନମସ୍କାର।